तो हे गाइस, आज हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग अपनी वीडियो को एआई वीडियो बना सकते हैं। बिल्कुल लाइव एआई वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा, उस वेबसाइट के बारे में बताऊंगा कि वो वेबसाइट कौन सी है, और आपको उस वेबसाइट का नाम भी बताऊंगा, किसी भी वीडियो की एआई वीडियो कैसे बनाई जाती है उसके बारे में भी बताऊंगा। बीते हफ्ते 10 दिन पहले मैंने एआई से संबंधित एक वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ था, तो आप लोगों में से बहुत सारे व्यूअर ने उस वीडियो को लेकर कमेंट किया था कि सर इस टाइप की वीडियो कैसे बनाई जाती है, उस वेबसाइट का नाम क्या है, थोड़ा उस वीडियो का लाइव वीडियो बना के दिखाया जाए। चूंकि हमने उस वीडियो के अंदर कोई बनाने का तरीका नहीं दिखाया था, बस एआई वीडियो बना के उसका जो है हमने ईडीएस के ऊपर कैसे मिक्सिंग करना होता उसके बारे में वहां पे बताया था। कि आज हम लोग इस वीडियो के अंदर उस वेबसाइट के बारे में भी जानेंगे, और उस वेबसाइट से कैसे एआई वीडियो बनाया जाता है, कैसे वीडियो को डाउनलोड किया जाता है, सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए, एआई वीडियो बनाने का जो पहला स्टेप है वो यह है कि हम जिस भी वीडियो का एआई वीडियो बनाना चाहते हैं उस वीडियो की बहुत ज्यादा टाइमिंग नहीं रखनी है। जैसे आप छोटे छोटे क्लिप को बना सकते हैं, जैसे मान चलिए 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, कुछ इस टाइप की छोटी छोटी वीडियो को कटिंग कर लेना है। तो देखिए, हमको क्या करना है कि हमारा जो भी वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर, चाहे ईडीएस हो, प्रीमियर प्रो, जो भी हो, आप उसको पहले ओपन कर लीजिए और उसमें कुछ वीडियो लेकर आइए जिस वीडियो का आप एआई बनाना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे छोटे छोटे वीडियो क्लिप दो ले लिए हैं, आप लोगों को एग्जांपल के लिए दिखाऊंगा उसका लाइव डेमो कि कैसे हम लोग इसके ऊपर बनाते हैं। हालांकि मैंने इसका एक ट्रायल किया हुआ है अभी वेबसाइट को चेक करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम दो छोटे छोटे वीडियो क्लिप को उठा लिए हैं, देखिए ये लगभग 4 सेकंड का है, और ये एआई वीडियो के लिए हमने ये छोटा सा क्लिप उठाया था गर्ल का, तो ये भी लमसम उतने ही टाइम के पास होना चाहिए। देखिए यहाँ पे छोटा सा एल बी लगभग 4 सेकंड का ही है, तो हम इस 4 सेकंड के वीडियो को बनाएंगे एआई, ठीक है। आपको इसी तरीके से 4 सेकंड, 5 सेकंड, जो भी आपकी नीड हो, 2 सेकंड, 1 सेकंड, आप जगह जगह वीडियो में से जहां से भी आपको लेना है उसको ले लीजिए और इन आउट लगा के इसको रेंडर कर लीजिए। तो मैंने फाइनली इसको डेस्कटॉप पे रेंडर कर लिया। तो देखिए, हमने यहाँ पे दो वीडियो रखे हुए हैं, ये लगभग 4 4 सेकंड का ही है, तो अभी हमने इसको ले लिया है और इसी के ऊपर आपको हम एआई वीडियो बनाने का डेमो देंगे, ठीक है। आप लोगों को इसी तरीके से अपने जो भी फुटेज है या जो भी वीडियो क्लिप है उसके अंदर से हमको छोटे छोटे क्लिप को ले लेना है। देखिए, इसको MP4 में करें क्योंकि वहां पे ज्यादा फॉर्मेट सपोर्ट नहीं करता है। जैसे अगर आप MTS वगैरह लेके जाते हैं तो वहां पे सपोर्टेड नहीं होगा, ठीक है। तो आपको MP4 में इसको रेंडर कर लेना है, फुल HD में, हाई क्वालिटी में रेंडर कर लेना, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ बंद और लेके चलता हूँ सीधे आपको AI वेबसाइट के ऊपर। तो उसके लिए मैं चलता हूँ अपने लैपटॉप के ऊपर। तो यहाँ पे मैं आ गया सीधे अपने लैपटॉप के ऊपर, और यहाँ पे और दोनों वीडियो भी आई हुई है, यहाँ पे मैंने दोनों वीडियो को लाया हुआ है। इसी के माध्यम से हम लोग AI वीडियो जनरेट करेंगे। देखिए, ये जो AI टू लिखा हुआ है, इस वीडियो के ऊपर ही मैंने एक टेस्ट किया था अभी जस्ट पहले, इस वीडियो बनाने के पहले, क्योंकि वेबसाइट सही से वर्क कर रही कि नहीं कर रही, क्योंकि ये वीडियो मैं 2 4 दिन पहले ही बनाने का प्रयास किया था, लेकिन उस वक्त वेबसाइट सही से वर्क नहीं कर रही थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाया था। तो मैं वीडियो बनाने से पहले ही इसका एक डेमो चेक कर लिया हूँ कि वर्क सही से कर रहा है कि नहीं, फिर मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। फिर भी मैं आपको दोबारा से बना के दिखाऊंगा। तो देखिए, अभी क्या करना है कि सीधे हमको चले जाना है अपने गूगल क्रोम के ऊपर। देखिए, यहाँ पे इंटरनेट की स्पीड थोड़ी सही होनी चाहिए, तभी जाके आपका AI वीडियो बन पाएगा, क्योंकि इस पे अच्छा खासा नेट भी लगता है। अगर स्पीड स्लो रहेगी तो आपको थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपको नेटवर्क एरर का मैसेज भी साइड से आएगा, ठीक है। अब देखिए, आपका जो यहाँ पे गूगल ओपन हो जाता है तो आपको लिख लेना, चाहे यहाँ पे सर्च कर लीजिए, चाहे यहाँ पे सर्च कर लीजिए काइबर AI, और आपको यहाँ पे टाइप करना AI, बस यही वेबसाइट है, आपको इसको सर्च कर लेना है अपने गूगल क्रोम में। और जो सबसे ऊपर एक वेबसाइट दिखेगी काइबर की, जो ब्लैक इसका लोगो होगा, आपको उसी के ऊपर क्लिक कर लेना है। अब देखिए, पहली बार इस तरीके से कुछ इंटरफेस दिखाई देगा। अभी इसका मोबाइल ऐप भी आ गया है, अगर आप मोबाइल से करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर जाके आप प्ले स्टोर से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल अभी हम लोग डेस्कटॉप के माध्यम से इसको देख रहे हैं, तो अभी यहाँ पे सब कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। देखिये, यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है स्टार्ट फ्री ट्रायल, और दूसरा लिखा है लॉगिन। तो अभी आप जो भी करना चाहें, अगर आप स्टार्ट फ्री ट्रायल करना चाहते हैं, पहली बार लॉगिन होना चाहते हैं, तो आपको पहले एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। तो हम स्टार्ट फ्री ट्रायल पे क्लिक करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे कुछ आपको इस तरीके का ऑप्शन दिखेगा, जहां पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी होती है और यहाँ पे आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना होता है। ऐसा नहीं कि मतलब जो आपका मेन ईमेल आईडी है और उसका जो मेन पासवर्ड है, नहीं, या इसके लिए, इसके लॉगिन होने के लिए आपको एक दूसरा पासवर्ड कुछ भी जनरेट कर लेना, बना लेना, ठीक है। और यहाँ पर वही पासवर्ड दोबारा से रिपीट कर लेना और चेक मार्क करके रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे इसको करेंगे ना, तो जो आप ईमेल आईडी डालेंगे ना, तो उस ईमेल के इनबॉक्स में मैसेज जाता है ईमेल आईडी को वेरिफिकेशन के लिए। मैं यहाँ पे वो सब करके नहीं दिखाऊंगा, ठीक है, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। वैसे YouTube पे बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं वहां पे कैसे ईमेल आईडी वगैरह बना के क्रिएट करके
यहाँ पे इसको रजिस्टर वगैरह करना है, ठीक है। बस मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, आप लोग खुद ही समझदार हैं, कर लेंगे आसानी से। जैसे ही आपके ईमेल के इनबॉक्स में एक मैसेज जाता है साइबर की तरफ से, आपको उसको वेरीफाई करना होता है, आपको उस लिंक को क्लिक करना होता है। जैसे आप उस लिंक को क्लिक करते हैं तो आपसे वेरीफाई के लिए पूछता है, जो भी ऑप्शन होगा वेरीफाई या यस का, आप उसको क्लिक करेंगे तो फिर आपको एक मैसेज होगा कि आपका ईमेल आईडी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया है। तो फिर आप चले जाएंगे काइबर की वेबसाइट के ऊपर। अब वहां पे आपको करना क्या है, जो मैं आगे करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये तो रजिस्ट्रेशन करने का तरीका बता दिया, मैं वापस चलता हूँ। अब हम आएंगे यहाँ पे, तो इस तरीके से आपको एक लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, आपको फिर लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब आपको यहाँ पे वही ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना होता है जो अभी आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान किया हुआ था। जैसे यहाँ पे एक ईमेल आईडी मांग रहा है और यहाँ पे वही पासवर्ड मांग रहा है, और यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, फटाफट कर लेता हूँ। तो मैंने अपने पासवर्ड को यहाँ पे टाइप कर लिया और यहाँ पे कर लिया है लॉगिन। अब जैसे लॉगिन पे करेंगे तो सीधे चले जाएंगे अपने हम डैशबोर्ड के अंदर। तो अभी मैं आगे अपने डैशबोर्ड के अंदर, तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक वीडियो क्रिएट की हुई थी, माय वीडियो के अंदर मुझे एक वीडियो दिख रही है, क्योंकि यही वो वीडियो है जिसके ऊपर अभी मैंने जस्ट ट्रायल किया था वीडियो बनाने से पहले। ये वही वीडियो देखिए, यहाँ पे वही है, ये वही वीडियो पड़ी हुई है, ये वही वीडियो है, ठीक है। तो अभी हम इसको बंद कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका दिखाएगा, जितने भी वीडियो आप क्रिएट करेंगे तो आपके अकाउंट में दिखाई देगा। तो अभी यहाँ पे एक चीज गौर करिएगा, अभी हम प्लस क्रिएट वीडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये तो कुछ इस तरीके का तीन ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और देखिए, बगल में आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट दिख रहा है, जैसे यहाँ पे मेरा 80 शो हो रहा है, आपके यहाँ पे 0 शो होगा। अभी मेरा ये 100 था, लेकिन जैसे मैंने एक वीडियो बनाया तो उसमें से 20 कॉइन डाउन हो गया। अब इसको आप कॉइन कहे, पॉइंट कहे, जो भी कहे। तो क्या है कि आपको यहाँ पे जो 0 शो हो रहा है ना, जब तक आपके यहाँ पे कुछ 100 कॉइन नहीं आएगा तो आप इस वीडियो को क्रिएट नहीं कर सकते। तो देखिए, आपको यूट्यूब पे थोड़ा सा सर्च करना है, बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं। आपको यहाँ पे जो आपका 0 दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको वो 100 हो जाएगा, कैसे हो जाएगा उसके ऊपर बहुत सारा वीडियो यूट्यूब पे पड़ा हुआ, ठीक है। तो जब तक आपके पास यहाँ पे कुछ पॉइंट नहीं होंगे तब तक आप वीडियो क्रिएट नहीं कर सकते, इसका ध्यान रखिएगा। जैसे आप प्लस क्रिएट वाले ऐप जाते हैं ना, तो आपको वहाँ पे कुछ 7 दिन का ट्रायल वाला ऑप्शन वहाँ पे आता है, तो आपको इस चीज को करना है। लेकिन उसके पहले आप एक कोई वीडियो देख लीजिए, जो सारी डिटेल में वहाँ पे जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी मैं आगे बता रहा हूँ, जब आपके पास यहाँ पे 100 कॉइन हो जाते हैं तो उसके बाद आपको क्या करना है। देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखते हैं, यहाँ पे लिखा भी है चूज योर वीडियो टाइप। तो अभी एक चीज और देखिए, इसको अगर आप क्लिक करते हैं तो नीचे की साइड आएंगे जहाँ पे हमारा वीडियो है, जहाँ से आपको वीडियो उठाना वो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे इमेज भी है, यहाँ पे ऑडियो भी है और यहाँ पे वीडियो। अभी हम वीडियो की बात करें, दूसरे वाले को सिलेक्ट करेंगे तब भी यहाँ पे ये वीडियो नहीं ले रहा है, ठीक है, इमेज ले रहा है सिर्फ ही। तो अभी हमको क्या करना, देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म वाला ऑप्शन है ना, इसको हमको क्लिक कर लेना तीसरे वाले को। हालांकि नियम पहले नहीं था बट अभी जल्द से ही आ गया है, फिलहाल इसको हमको सेट कर लेना तीसरे वाले को, फिर यहाँ पे वीडियो वाले सेक्शन में हमको क्लिक कर देना है। अब जैसे वीडियो वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपसे वो वीडियो पूछा जाएगा कि वो वीडियो कौन सा जिसका आप एआई बनाना चाहते हैं। तो मैंने अभी इसका किया है, मैं अभी एआई वन वाले को करता हूं, जो 4 सेकंड का, मैं इसको ओपन कर लेता हूं, ठीक है। तो अभी देखिए हमारा वीडियो भी यहाँ पे आ गया है। अब इसको सीधे हम नीचे करेंगे एडिट योर प्रॉम्प्ट, हम इसको क्लिक कर लेंगे। अब जैसे इसको करते हैं ना, तो यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शन दिखता है प्रॉम्प्ट का, आपको कुछ कमांड देने होते हैं। अभी यहाँ पे देखिए आपका वीडियो भी दिख रहा है, कितने टाइमिंग का वो भी दिख रहा है। आप इसमें से जो भी स्टाइल लेना चाहते हैं, ऑयली पेंट, सिनेमैटिक वगैरह वगैरह, इसमें बहुत सारे दिए हैं, 3D वगैरह हैं, सब जो भी आपको चाहिए, जिस भी स्टाइल का चाहिए आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे आपको आई वॉन्ट टू क्रिएट ए वीडियो ऑफ, तो यहाँ पे आपको कुछ टाइप करना है। तो मैं पहले से ही टाइप करके रखा हूँ ताकि ज़्यादा टाइम न लगे, यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया इंडियन वेडिंग कपल पोजीशन नेचुरली, ठीक है। आपको जो भी लिखना है, आप जितना अच्छा लिखेंगे उतना अच्छा आपका वीडियो बन के आएगा, ठीक है। थोड़ा सा समय देंगे तो और भी अच्छी चीजें आएंगी, बस मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पे कुछ कमांड देने होते हैं, कुछ बताना पड़ता है कि भाई हमको इस टाइप का वीडियो चाहिए। तो देखिए अभी यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि इंडियन वेडिंग कपल पोजीशन नेचुरली, ठीक है। अभी यहाँ पर भी आपको स्टाइल भी देना है कि आपको यहाँ पे किस स्टाइल में ये वीडियो बनवाना है, ठीक है। तो देखिए आप चाहे तो यहाँ पे भी चीजें लिख सकते हैं, खुद से टाइप ही कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर भी बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, या फिर आप यहाँ से सीधे सीधे यहाँ पे चेंज चेक करेंगे। जैसे आप ऑयली प्रिंट को करेंगे ना, तो अभी देखिए हम इसको करते हैं, देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे कमांड आ गया, ठीक है। तो ये जो कमांड आया ठीक ही है, हमको ऑयली प्रिंट का ही बनाना है, तो अभी यहाँ पे हम ऑयली प्रिंटिंग, तो मैं क्या करता हूँ इसमें थोड़ा सा ये इतना सी चीज़ यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और नीचे की साइड में यहाँ पर भी आपको मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये कहाँ गया, जहाँ से पेस्ट किया इसको मैं यहाँ से इंडियन इंडियन को थोड़ा स्पेस दी, अभी अलग हो गया, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिख दी हुई हैं, अब इंडियन वेडिंग कपल पोजिशन नेचुरली, ठीक है। तो अभी मेरा यहाँ पे कमांड रेडी है, ठीक है। आपको मैं अभी और भी तरीका बता दूंगा कि कैसे सारे कमांड आएंगे, आप खुद भी कर सकते हैं। आप अब जब बनाने जाएंगे ना, आपको खुद आइडिया मिल जाएगा कैसे आपको क्या करना है। अब देखिए ये वीडियो सेटिंग वाला ऑप्शन भी हाईलाइट हो गया, इसके पहले जब तक आप ये दोनों कमांड को नहीं देते हैं तो ये हाईलाइट नहीं होता है। अभी हम यहाँ पे वीडियो सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर
कि जो भी ऑप्शन दिख रहे हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 7 है 4 है, जो भी आपको रखना है अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा रखना भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं रखना, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको 4 ही रखता हूँ, या बाय डिफॉल्ट भी आपको छोड़ सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी वहां पे वीडियो में दिखाई देगा ये सब कुछ। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और नीचे दिखाई देता है कि इस वीडियो को बनाने के लिए मेरा क्या है, 20 कॉइन या 20 क्रेडिट कॉस्ट जो है मेरा यहाँ पे खत्म होगा, जो मेरा अभी 80 यहाँ पे दिख रहा है ना, जब मैं वीडियो मेरा जनरेट हो जाएगा तो ये जो 80 दिख रहा है ना, इसमें से 20 माइनस हो जाएगा तो सीधे सीधे यहाँ पे 60 दिखेगा, ठीक। इस वीडियो को बनाने के लिए मेरा 20 कॉइन लग रहा है, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पे क्या करूँ, जनरेटेड प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए इसके दौरान आपका नेट ठीक ठाक होना चाहिए, अगर आपका नेट ठीक नहीं होगा तो आपको साइड से यहाँ से एक मैसेज आ जाएगा एरर का, ठीक है, आपको रेड कलर में मैसेज एक आ जाएगा थोड़ी देर के बाद कि भाई नेटवर्क एरर, ठीक है। तो आपको इसका ध्यान रखना है, अगर आप जियो से कर रहे हैं, अगर आपका नेट स्लो है तो आप 198 को डायल कर लिए, मतलब कोई भी नंबर पे कॉल लगा लीजिए, फिर स्पीड बढ़ जाती है, आप लोगों को पता ही है सब, ये 2016 की ट्रिक ही है। तो मैंने अपने मोबाइल से एक कॉल लगा ली है 198, 2 सेकंड 3 सेकंड 1 मिनट 2 मिनट जो भी लगना है लग सकता है, जब तक यहाँ पे कुछ वीडियोज ना आ जाए तब तक आपको यहाँ पे वेट ही करना है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ वीडियोज बन के आ गए हैं, जो भी मुझे वीडियो अच्छा जमे मैं उसको क्लिक कर लूंगा, फिर हो जाएगा। देखिए मैंने एक गलती की हुई थी, पहली बात तो मैंने यहां लिखा था इंडियन वेडिंग कपल्स, जबकि यहां पे कपल नहीं, सीधे ये लड़की ही है, तो खैर ठीक है, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। आप यहां देख सकते हैं लाइव मैंने यहां पे कपल्स लिखे हुए थे, हालांकि मैंने अभी कमांड जब मैं कपल वाला बनाया था तो उस वक्त वहां पर किया था, तो एक्चुअली वही टाइप ही रह गया। खैर कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल मेरा यहां पे देखिए वीडियो बन के आ ही गया है। अगर आपका वीडियो अच्छे से नहीं बन के आ रहा है, कुछ अलग घुमा फिरा के आ रहा है, तो आप यहां से दोबारा से बैक जाके इसको रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। अभी भी आपका जो क्वाइन है वो नहीं लगेगा, जब तक आप इसको कंप्लीटली देंगे नहीं तब तक आपका क्वाइन ये जो कम नहीं होने वाला, ठीक है। आप अगर यहां से जो भी नहीं जम रहा है तो आप दोबारा करिए, दोबारा करिए, 4 बार करिए, 5 बार करिए, जब तक आपके मन लायक आपका फुटेज रेडी होके ना आए तब तक आप इसको रिटर्न कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं कि ये मेरा जो है, मैं इसको ना, मेरा ये वाला वीडियो थोड़ा ठीक ठाक दिख रहा है तो मैं इसी को सिलेक्ट कर लेता हूं। मैंने इसको सिलेक्ट किया तो देखिए यहाँ पे ये वीडियो सिलेक्ट हो गया और नीचे ऑप्शन आता है क्रिएट वीडियो का, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इस क्रिएट वीडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। अब जैसे मैं क्रिएट वीडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा ना, तो मेरा जो वीडियो है ना वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पे मेरी क्वाइन जो है कट जाएगी, यहाँ पे जो 80 थी अब उसमें से 20 कॉइन माइनस कर दी जाएगी, ठीक है, क्योंकि अभी यहां पे देखिए प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुका है, अब यहां पे हमारा वीडियो जनरेट हो रहा है, अभी इसमें परसेंटेज का टाइम यहां पे दिखाएगा, 1%, 10%, 20%, तो यहां पे जब तक ये 100% नहीं हो जाता तब तक हमारा वीडियो जनरेट नहीं हो पाएगा, ठीक है। देखिए यहां पे 11% कंप्लीट हो गया, इसी तरीके से 100% हो जाएगा तो हमारा वीडियो जो AI वीडियो बन के आ जाएगा, तो फिर हमको यहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अब देखिए आप कमांड उठाना चाहते हैं तो इस कमांड को भी आप सेव करके रख सकते हैं, या फिर कुछ और भी टाइप कर सकते हैं वहां पे, बस आपको अपना, आप इंडिया से हैं तो आप लिखिए इंडियन बिडिंग गर्ल का जो भी है, या बॉय का जो भी है वो भी टाइप कर सकते हैं, या जिस टाइप का आपकी सीन है, बाग वगैरह का सीन है, जैसे आप प्री वेडिंग वगैरह शूट कर रहे हैं या फिर आप कुछ टीजर वगैरह कर रहे हैं, तो जो भी माहौल है उस टाइप का आप वहां पर टाइपिंग करिए, टाइप करके सीखिए, उसमें देखिए जो भी अच्छा आपको पोजिशन दिख रहा है उसी को आप वहां से कॉपी कर लीजिए, उसका जो भी टेस्ट है उसको कॉपी करके रख लीजिए। और जब जब भी आप वीडियो बनाने जाएं, जब भी आप कोई भी आप फुटेज क्रिएट करने जाएं, AI वीडियो बनाने जाएं, तो वहां पे उस कमांड को टाइप करें, बस कॉपी पेस्ट कर दें, फटाफट काम हो जाएगा, बस आपको वीडियो जनरेट करके डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो क्वाइन आता है कैसे आता है, आप YouTube पे थोड़ा सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारा वीडियो मिलेगा जो इसका तरीका बताते हैं कैसे कैसे लेकर आना है, कि वीडियो काफी लंबा हो जाता है तो इसलिए मैं इसमें वो चीज नहीं ऐड कर रहा हूँ। अब हमको यहाँ पे थोड़ी सी वेट करने की जरूरत होती है, तो देखिये अब यहाँ पे 95% हो गया है, देखिये यहाँ पे थोड़ी सी आपको वेट करने की जरूरत पड़ती है, जैसे यहाँ पे नेट की स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब देखिये ये हमारा AI वीडियो रेडी हो गया है, अभी यहाँ पे हमारा व्यू भी दिखेगा, देखिये कुछ इस तरीके का वीडियो दिख रहा है, ठीक है, ये 4 सेकंड का वीडियो जो इस तरीके से दिख रहा है। अब देखिए हमको इसको डाउनलोड कर लेना है तो नीचे एक ऑप्शन दिखता है, यहाँ पे देखिए आप जो 3 डॉट दिखता है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा डाउनलोड, तो यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं डाउनलोड। अब जैसे इसको डाउनलोड करेंगे देखिए यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट भी हो गया है, देखिए ये डाउनलोड भी हो रहा है, बहुत छोटी MB है, 4.2 MB का है। अब अगर आप इसको 4K वगैरह में भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो हालांकि इसको नहीं कर सकते हैं, जब ये यहाँ पे जनरेट करते हैं ना, इसका कमांड देते हैं ना, वहीं पे इसकी जो क्वालिटी है वो हाई रेजोल्यूशन रखेंगे, लेकिन जैसे ही आप अपनी क्वालिटी को हाई रेजोल्यूशन रखेंगे आपका, जैसे मेरा यहाँ पे देखिए 80 था ना, अब यहाँ पे 60 हो गया, तो हमारा ये वीडियो जो बना है 4 सेकंड का वो 20 कॉइन में बना है, ठीक है। वहां पे आपका 25 ले सकता है, 30 ले सकता है, 35 ले सकता है, मतलब जितना रेजुलेशन वगैरह देंगे या जितनी लेंथ रहेगी वीडियो की उसी हिसाब से आपको कॉइन कॉस्ट देनी पड़ती है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं मेरा यहाँ पे 80 था तो अभी ये हो गया 60, मतलब 20 कॉइन कट गया, मेरा वीडियो डाउनलोड हो गया है। अभी वीडियो है कहाँ पे मैं उसको भी चेक कर लेता हूँ, ये डाउनलोड वाले फंक्शन में है तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ।
यहाँ पे वीडियो आ गया, मैं इसको कट करके रख लेता हूँ डेस्कटॉप पे जहाँ पे मेरी वीडियो है, तो मैं इसको लेके आ गया डेस्कटॉप पे। ये देखिए ये मेरी एआई वीडियो है, ठीक है। अभी ये जो वीडियो है ये रियल वीडियो है, ये हमारी रियल वीडियो है, ठीक है। और ये जो मेरी है एआई वीडियो है, ठीक है। आप इसको और भी अच्छा क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जितना वहां पे अच्छा कमांड देंगे उसी हिसाब से यहाँ पे काम होगा आपका। एक बार अच्छा नहीं है, दोबारा से करिए, तिबारा से करिए, आप बार बार कमांड को दीजिए। जब आपको लगे कि परफेक्ट वीडियो आ गया फिर आप उसको आगे सेट करिए, ठीक है। अब देखिए मैं ऑफिस चला जा रहा हूँ, फिर से आपको कोई वीडियो लेना है तो आप फिर वही करिए, प्लस प्लस क्रिएट वाले ऑप्शन पे करिए और फिर आप वीडियो आएगा यहाँ पे, जो भी कमेंट देना है उसको दीजिए। आप चाहे तो यहाँ से अलग अलग प्रकार के स्टाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए स्टाइल, अलग अलग स्टाइल है, देखिए यहाँ पे 3D, जो भी आपको चाहिए अलग अलग स्टाइल का यहाँ पे कमांड मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जो भी आप करेंगे ना ऊपर आपको यहाँ पे वीडियो क्रिएट का जो भी होगा, देखिए यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे खुद खुद ब खुद हो जाएंगी ऑटोमेटिक ही, जो आप सिलेक्ट करेंगे, या अपना खुद से मैनुअली भी दे सकते हैं। तो मैंने वहाँ पे मैनुअली देखे दिखाया है, बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं खुद ही कमांड यहाँ से जनरेट हो सकता है। आप इसको कॉपी करेंगे या सेम रहने दीजिए, इसमें आपको कुछ एडिटिंग करना है तो आप एडिट करिए, कुछ अलग टाइप करना है। अभी हमने यहाँ पे ऑयली पेंटिंग के ऊपर किया था, ठीक है, आप इसको कर सकते हैं, आप इसको भी कर सकते हैं। आप एक एक स्टेप को करके देखिए, सीखिए किसके अंदर क्या है, क्या बेटर है। बस मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया है, तरीका बताया कि कैसे आपको यहाँ से करना है। बाकी अब देखिए यहाँ पे ये 8K, यहाँ पे देखिए 8K में आ गया, ये वाला कर रहे हैं सिनेमैटिक वाला करेंगे तो 8K में आ जाएगा, ठीक है, अच्छी क्वालिटी का आएगा। जो भी आप कमांड देंगे उसी हिसाब से ये वीडियो जनरेट होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर इसके बाद भी किसी के मन में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर सकते हैं। बाकी मैंने यहाँ पे आपको एक चीज़ नहीं दिखाया कि एक क्वाइन कैसे आता है, तो आप इसके लिए यूट्यूब पर सर्च करिए, आपको बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो इस AI वीडियो का इस्तेमाल हमको अपने वीडियो के अंदर कैसे करना है, तो मैंने इसके ऊपर 10 दिन पहले वीडियो बना के बता दिया था कि कैसे हम लोग अपनी AI वीडियो को अपने वीडियो के अंदर यूज करते हैं, ताकि दोनों चीजें दिखें कि हमारा जो रियल वीडियो है और हमारा जो AI वीडियो है उसकी मैचिंग कैसे करानी है, सारी डिटेल में हमने वहां पे जानकारी दी हुई है। तो उम्मीद करता हूं कि इस AI वीडियो से आप लोगों ने जरूर कुछ नया सीखा है, और बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन के आंसर भी मिल गए हैं कि वेबसाइट कौन सी है, तरीका क्या है, सारा कुछ हमने वहां पे करके दिखा दिया, बता दिया है। तो जाइए आप लोग भी अपना वीडियो वहां पे बनाइए, और हाँ अगर वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पे पहली बार है तो करिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। मिलता हूं किसी नए वीडियो में, आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए।